हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ DIY स्किन वाइटनिंग कैरेट क्रीम शेयर कर रही हूँ, जो आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से गोरा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, स्कार्स की प्रॉब्लम है, उसे धीरे धीरे फेड करता है। आपकी स्किन में धूप के कारण टैनिंग हो गई है, उसे रिटैन करता है। आपकी स्किन में डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, रिंकल्स, फाइनलाइंस की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन की सारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट, यूथफुल, यंग बनाता है। आप ये क्रीम मार्केट में लेने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता और उसमें केमिकल्स भी होते हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। तो आज मैं आपके साथ 100% नेचुरल, 100% इफेक्टिव वाला कैरेट क्रीम शेयर करूँ कि आपको किस तरह से बनाना है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा गाजर का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है, पील ऑफ कर लिया। अब मैं ग्रेटर की हेल्प से इसे मैं ग्रेट कर लूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसे ग्रेट कर लिया। उसके बाद फिर मैं छन्नी की हेल्प से छान के इसका जूस अलग कर लूंगी। जो गाजर का जूस होता है वो हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच जितना गाजर का जूस लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्लांट से तोड़ के फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करते हो तो आप इसे 10 से 12 दिन तक ही स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का केमिकल फ्री वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक चम्मच जितना एलोवेरा जेल लिया है एक चम्मच जूस में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज बनाता है, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है और हमारी स्किन में एक नेचुरल सी शाइन लाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही 5 to 6 ड्रॉप जितना ग्लिसरीन लिया है। जिनकी ड्राई स्किन है वो इसमें आधा चम्मच जितना ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे होम मेड कैरेट ऑयल लिया। मैंने गाजर का तेल घर पर ही बनाया है, वो मैं इसमें आधा चम्मच जितना यूज़ कर रही हूँ। कैरेट ऑयल किस तरह से बनाना है इसकी मैं फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो कैरेट ऑयल की जगह आप इसमें आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल आधी यूज़ करे और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो इसमें 1 से 2 विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो आप इसकी जगह विटामिन ई का ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी ये क्रीम पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें खुशबू के लिए इसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें लैवेंडर इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसमें सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर लेमन इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। जिनकी ऑयली स्किन है वो इसमें टी ट्री इसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपको एक खाली कंटेनर में इसे ट्रांसफर कर लेना है। तो मैंने क्लीन कंटेनर में इसे ट्रांसफर कर लिया, आप देख सकते हो। आप इसे फ्रीज में 1 से 2 महीना तक स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप इसे बाहर रखना चाहते हो तो आप इसे 15 से 20 दिन तक बाहर स्टोर करके रख सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए है। यूज करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर ले। हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, किसी पे सूट हो किसी पे ना हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अभी अपने हाथ पे यूज करके दिखा रही हूँ। तो आपको 3 to 4 ड्रॉप जितना लेना है। उसके बाद फिर आपको सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से 1 मिनट तक के लिए मसाज करनी है, फिर आपको छोड़ देना है। आप इसे रोजाना रात में यूज़ करोगे तो इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आप इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग में, नाइट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। एज अ सीरम की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब जब आप अपनी स्किन में इसे लगाओगे बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ये छिप-छिप नहीं करता। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट लगती है। आप इसे लगातार 1 महीना तक यूज़ करोगे आपको खुद अपनी स्किन में काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आएगा। 7वें ही दिन से आपको अपनी स्किन में काफ़ी अच्छा फर्क नज़र आने लगेगा। आपकी स्किन को ये गोरी एकदम बेदाग बनाना स्टार्ट करेगा। आपकी स्किन में जितनी भी टैनिंग हो गई उसे रिटैन करेगा। आपकी स्किन में डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन अनइवन हो गई है, कहीं ब्लैक है कहीं वाइट है, उसे भी ये सही करेगा। आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ये टाइट करता है। आपकी स्किन में रिंकल्स, फाइनलाइंस की प्रॉब्लम है, उसे भी धीरे धीरे फेड करता है। पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, उसे भी ये सॉल्व करता है। गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन के रंगत को निखारता है और हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्राइट करता है। डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, ब्राउन स्पॉट की प्रॉब्लम है, उसे भी धीरे धीरे फेड करता है। ये क्रीम आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, मॉइस्चराइज, हाइड्रेट करके रखता है। आपकी स्किन में इंस्टेंटली ग्लो लाता है। तो आप इसे यूज़ करो और आप इसे बनाओ और इसका रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू।